हेलो फ्रेंड्स, माय स्मार्ट कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूँ हिरेन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीडीएफ और एक्सेल शीट के बारे में। तो टेली ईआरपी 9 में अगर हमको कोई भी फाइल यानी कि डेटा अगर हम मंथ वाइज सेल करते हैं, ठीक है, मंथ वाइज परचेस करते हैं, सेल करते हैं, और वो सभी डेटा अगर हमें एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। अगर सेल बिल को परचेस बिल है या सेल बिल है उसे अगर आपको पीडीएफ करना है, पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे, तो वो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप अच्छी तरह से ये वीडियो देखिए तो ये आपको ख्याल आएगा कि पीडीएफ और एक्सेल शीट कैसे क्रिएट की जाती है टेली ईआरपी 9 में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि जो भी नई नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक मिल पाएगी। और अगर आपको टेली ईआरपी 9 में और जीएसटी के रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो हम उसके रिलेटेड आपको वीडियो बना के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टेली ईआरपी 9 में पीडीएफ फाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो बिल बनाए हुए सेल के, ठीक है, साई कृपा एंटरप्राइज और कृष्णा ट्रेडिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल में जाके एंटर करना है, ठीक है। जैसे ही आप एंटर करते हो यहाँ पे आपको अल्टर ई, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टेली शॉप, कीबोर्ड, बहुत सारा ऑप्शन दिया है यहाँ पे ई। अगर यहाँ से भी आप क्लिक करते हो तो भी एक्सपोर्ट फाइल होगी, और कीबोर्ड से अगर आपको अल्टर ई एक्सपोर्ट करना है तो अल्टर ई प्रेस करना है, ठीक है। अभी हम कीबोर्ड से अल्टर ई ने कर दिया है। यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे लैंग्वेज बता रही है, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट है पीडीएफ फाइल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार एस्केप देते हैं। एस्केप देंगे तो वैसे ही हमें यहाँ पे पूछेगा कि कौन से आपको फाइल कन्वर्ट करनी है, जैसे कि पीडीएफ फाइल है, यहाँ पे जेपीजी, एचटीएमएल, एक्सेल, सभी चीज़ यहाँ पे दिखाई हुई है। तो सबसे पहले हम पीडीएफ फाइल यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, तो हम पीडीएफ ही रहने देते हैं। यहाँ पे एंटर के यस करना है, ठीक है, एंटर करेंगे और एक्सपोर्ट और यस करेंगे। देखिए हमारा जो भी बिल है यहाँ पे आ चुका है, पीडीएफ फाइल बन गई। हम यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पे हम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ 96 नंबर, ठीक है, और यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पीडीएफ 26 जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे डबल क्लिक जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो भी सेल का बिल है यहाँ पे जनरेट हो चुका है। आपको अच्छी तरह से ख्याल आएगा कि पीडीएफ कैसे क्रिएट कर किया जाता है टेली ईआरपी 9 में से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो आपने अगर कोई भी वाउचर बनाया हुआ है, जस्ट मोमेंट में एक बिल बनाता हूँ यहाँ पे सेल लोकल जीएसटी का, यहाँ पे डेमो करके आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कृष्णा एंटरप्राइज लेता हूँ, कंट्रोल सैमसंग मोबाइल, ठीक है। अभी यहाँ पे टैक्सेशन नहीं आएगा क्योंकि मैं डेमो बता रहा हूँ। यहाँ पे यस कर दिया तो हम पेज अप करेंगे। पेज अप करके यहाँ पे अल्टर ई प्रेस करना है। अल्टर ई जैसे प्रेस करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन चुनना है फॉर्मेट में कि आपको पीडीएफ चाहिए, एक्सेल चाहिए कि जेपीजी फाइल चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पीडीएफ सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट करके यस करना है, ठीक। उसी तरह पीडीएफ क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि एक्सेल शीट, अगर आपको टेली का जो भी डेटा है उसे अगर एक्सेल शीट में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो आपको अगर कैलकुलेशन करना है, आपको कौन सी चीज़ आपको एक्सेल शीट में कन्वर्ट करनी है, ठीक है, यहाँ पे हमें अगर सेल का बिल जनरेट करना है, एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेल का जो डेटा है, तो यहाँ पे मैं अल्टर ई प्रेस करूँगा। अल्टर ई जैसे प्रेस करता हूँ यहाँ पे आपको एक बार एस्केप की प्रेस करनी है। एस्केप करके यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आपको बता रहा है एक्सेल से, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट फाइल नेम मैं दे देता हूँ जुलाई मंथ, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, यस यस करके डायरेक्टली नीचे आ जाना है, एक्सेप्ट और यस। हमारे तीन यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये जो तीन बिल है यहाँ पे आ चुके हैं एक्सेल शीट में। तो आपको अच्छी तरह से ख्याल रहेगा कि जो टेली का जो डेटा है उसे एक्सेल शीट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है।
ठीक है। ठीक उसी तरह आपको अगर जीएसटी का रिपोर्ट भी एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है सबसे पहले, उसके बाद स्टेटरी रिपोर्ट, जीएसटी, जीएसटीआर 1, 2, 3B, ये तीनों चीज हमें हर वक्त हर महीने टैली में से एक्सेल शीट में कन्वर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट जीएसटीआर 1, एक्सपोर्ट जीएसटीआर 1 जैसे ही आप करोगे यहाँ पे यस करना है, पर हमने कुछ भी डेटा यहाँ पे डाला हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको अच्छी तरह से क्या लगा रहेगा कि टैली में से पीडीएफ फाइल और एक्सेल शीट कैसे क्रिएट की जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। जय जय भारत।